मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। बाबा जी, ये मिर्ची मुंह के अलावा कहाँ कहाँ लगती है? जहाँ तू सोच रहा है डैडी मैन, वहाँ तो लगती है। उसके अलावा खेतों में लगती है। ओ, बाबा जी, एक सवाल पूछूं? यही पूछोगे कि खेतों में ले चलूं? जी नहीं, यहीं पे पूछूंगी। पूछो पूछो। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या चीज होती है? कुछ नहीं पगली, ये सब अमीरों के फ्री में मजे लेने के चौचले हैं। बाबा जी, एक सवाल मेरा भी है। पूछ ही लो एक बार। बाबा जी, ये प्यार करना पड़ता है या हो जाता है? देखो बेटा, ऐसा है, लड़की खूबसूरत हो और स्कूटी पर हो तो प्यार हो जाता है, और जबकि लड़की बदसूरत हो और मर्सिडीज पे हो तो प्यार झक मार के करना ही पड़ता है। बाबा जी की जय हो। भक्तों, अब बाबा जी के विश्राम करने का समय हो गया है, कृपया आप प्रस्थान कर सकते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। लाओ, जाओ जाओ, जय हो जय हो जय हो। तुम जाओ बाबा जी, तुम मेरे पास। बाबा जी, क्या हुआ? बाबा जी, आपके चरण का है बाबा जी। चरण तो घर छोड़ आया, क्या हुआ? बाबा जी की जाए, चमत्कार हो गया बाबा जी, चमत्कार। अच्छा, क्या क्या कैसे? बाबा जी, आपके भस्म ने तो चमत्कार कर दिया। ओह वाओ। बाबा जी, मुझे कम्बो मिल सकती है? कमोड पे बैठ गया? नहीं नहीं, कम्बो बाबा जी, कम्बो जिसे भस्म लगा था। बाबा जी, जो भस्म आपने मुझे दिया था ना, मैंने कम्बो को किसी भी हालत में लगा दिया बाबा जी। कम्बो मुझे मिल सकती है बाबा जी, सब आपकी कृपा बाबा जी। बाबा जी, आपकी कृपा ऐसे बनाए रखिए बाबा जी। हाँ तो दो 101 रुपया। अभी तू देख ना मुन्ना, तुम्हें कम हो गया उसकी पूरी फैमिली मिल जाएगी और तू करोड़पति बनेगा। तेरा फ्यूचर बिल्कुल ही ब्राइट है। बाय गॉड, लव यू। प्रॉमिस बाबा जी? एकदम प्रॉमिस है बेटा। बाबा जी की बागिया। कहो बच्चों, कैसे आना हुआ? ऐसे आना हुआ। अरे ऐसे आना हुआ, लेकिन आना कैसे हुआ? बाबा, एक मसला खड़ा हो गया। इतना मसला ही क्यों जो कि खड़ा हो गया? बाबा, वो अपना लकी है ना। हाँ हाँ, उसकी बीवी मर गई आज। हाँ हाँ। ओ, वाह। बाबा, हाँ। थोड़ी सी हम पे भी कृपा कीजिए ना। क्या करिए? कृपा बाबा, कृपा। ओके ओके। लकी के घर दौलत की बारिश हुई है। अच्छा। बाबा, हाँ हाँ। कुछ ऐसा करो कि उस बारिश के कुछ छींटे हम पे भी गिर जाएं। हाँ। हम आपको 1,00,000 देंगे। क्या बोल रहा है? 1,00,000 मारेगा? मतलब 1,00,000 रुपया देंगे। 1,00,000 रुपए बाबा को मिलेंगे। बेटा, तुम छींटों की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ सबो गया बाल ले आऊंगा रुपयों की। बस तुम मुझे फॉलो करते रहो। बेटा, चौथे का मतलब होता है दान, लक्ष्मी की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का। जो भी उनकी अधूरी इच्छा थी वह पूरी कर दो। बेटे, मैं नहीं, पूरा लकीपुर आपके साथ में है। लकी सेठ, अब तुमसे ज्यादा कौन जानता था कि लक्ष्मी को कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद थी? मेरा मतलब भाभी को। इतनी सारी मिठाइयाँ? मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ कभी पहले नहीं देखी। इमरती, बर्फी, अरे लड्डू देखो। एक दिला दो ना भैया। एक देना जी, लड्डू देना। अरे भैया, बड़ा वाला। अच्छा, तुम खाओगे? नहीं नहीं, खाओ खाओ। अच्छा चले। अरे ठहरो ना, थोड़ा तो लो। नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत स्वाद है, लो। लकी सेठ, लक्ष्मी कितनी चटोरी थी ना। क्या? मेरा मतलब लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी। यार तू चिंता मत कर, सब बन जाएगा, और ऐसा बनेगा कि पूरा लक्कीपुर याद रखेगा कि लखन सिंह हलवाई ने क्या मिठाई बनाई है। और जहाँ 4-5 तरीके की मिठाइयाँ बनी रही हैं, तो भाई सब्जियां भी तो 5-6 तरीके की बननी चाहिए ना, वो भी प्योर देसी घी में। लकी सेठ, आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी वोटी को जेवर पहनाता है। हुँ? अब पहले तुम्हारा हाल खराब था। हा? मतलब लक, तुम्हारा लक खराब था। क्या हैसियत थी तुम्हारी? हा? और अब क्या हैसियत है तुम्हारी? इसलिए तुम्हें लक्ष्मी जैसे जेवर पहनती थी,
वैसे नहीं बल्कि जैसे जेवर पहनना चाहती थी वैसे जेवर बनवा के दान करने चाहिए। कितना सुंदर हार है। सुनो हाथ जरा तंग है, अब नहीं बाद में खरीदेंगे, चलो चलो। अरे चल चलो वहाँ चलो, कम से कम देखने तो दो। बड़ी शौकीन थी लक्ष्मी। क्या मतलब लक्ष्मी भाभी जेवर पहनने की बड़ी शौकीन थी। ओए लकी तो फिक्र मत कर यार, तुझे जितना लोन चाहिए ना मैं देता हूँ। दान दक्षिणा पूजा पाठ किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओए लक्ष्मी सिर्फ तेरी नहीं पूरे गांव की थी जी। ओ मेरा मतलब बहू यार, तू सब देखता जा, सारा इंतजाम हो जाएगा जी। जब कंस को यह पता चलता है कि उसके सिस्टर की आठवीं औलाद उसके पिक्चर का दी एंड करेगी तो वो डर के मारे सिस्टर और उनके हस्बैंड दोनों को कारागार में बंद कर देता है। कारागार में अंधेरा कमरा, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ के पास कोई काम नहीं तो वो एक ही कीर्तन गाने लग गए, एक ही कीर्तन गाने लग गए। आप भी गाइएगा मेरे साथ साथ। दे दना दन दना दन 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 दे दना दन। बस यही कीर्तन गाते गाते उन्होंने सात औलादें पैदा कर दी। जब आठवीं औलाद पैदा हुई तो कारागार का दरवाजा खुद ही खुल जाता है। कैसे खुलता है? चमत्कार बाबा, चमत्कार। बाबा एक बार फिर से बताइए ना दरवाजा कैसे खुला। बताओ बच्चों। धड़ाक। पास धड़ाक हुए, धड़ाक। वासुदेव कट्टू नंद गांव में मौजा ही मौजा कीर्तन कर रहे थे। हाँ। बाबा हाँ जी। जब कंस को ये सब पता था तो उसने उन दोनों को एक ही कारागार में क्यों बंद किया, अलग अलग जगह पे क्यों नहीं रखा? तेरा नाम क्या है? फुद्दू। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लेकिन ये सवाल तू जाके डायरेक्ट कंस से क्यों नहीं करता, मुझसे क्यों पूछ रहा है? कंस चौराहे पर भिंडी खरीद रहा है, उससे जाके पूछ ले। और सुन, लौटते वक्त उसका मोबाइल नंबर भी ले लेना। तो मैंने इस अहम दिन के लिए कीर्तन तोड़ा है, वो आप भी गाएंगे मेरे साथ। सॉरी सॉरी, मैं बर्थडे पार्टी सोच के ये गा रहा था, एक्चुअली यहाँ तो मुझे कुछ और गाना था। हाँ ये भी कीर्तन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मुन्नी आत्मा है और डार्लिंग परमात्मा है। मुन्नी आत्मा डार्लिंग परमात्मा के लिए बदनाम हो जाती है, यहाँ तक बदनाम हो जाती है। डंडुबाम किसका प्रतीक है? तेरा नाम क्या है पूसी कैट? पूसी। हाँ, क्या सोच समझ के घर वालों ने नाम रखा है, स्कूल में लौंडे भी कर जाते होंगे। खैर डंडू डंडू है, अपना आनंद है। आगे खाना क्या हुआ? प्यारे लाल जी, टाइम पर खाना खाने के इतने ही पाबंद हो तो चुपके से घर से खा के आते, टिफन भी मंगवा लिया और साली को ससुराल से भी बुलवा लिया। ओ ये खाना मेरा नहीं है, लकी का है। लकी बेटे जा खाना खा ले, जा। हाँ जाओ खा लो, जा। क्या बात, जा ले जा। प्रणाम बाबा। ठीक है, दबा के खाओ, दबा के जियो। जाओ बेटा आराम से खा लो, जाइए। अब लकी ये घर तो चौथे तक खाना बन ही नहीं सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर से खाना रोज आएगा। और रोज तो मेरी वाइफ आ नहीं सकती, इसलिए मैंने साली को बुलवाया है। ओ सरदार जी, हम सब जानते हैं, ओ टिफिन लेके साली को नहीं बुलवाया है, दरअसल इसने करोड़पति लकी को फंसाने के लिए साली को बुलवाया है। मैं वेरी रेस्पेक्टफुली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चौथे तक लकी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, चार दिन खाना मेरे घर से आएगा। ओ ले ले पाजी, आपका घर दूर है, खाना आते आते ठंडा हो जाएगा, और मेरा घर जो है वो लकी के घर के सामने है, और साली आएगी गर्मा गर्म खाना लकी को दे जाएगी। चार पांच दिन का बंदोबस्त तो हो जाएगा। हाँ। उसके बाद क्या? देखिए मेरे ख्याल में लकी की अभी उम्र ही क्या है। हाँ, सही बात, उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं लकी की शादी अपनी साली से करवा देता हूँ। तुम लोग हमेशा बीच में आते हो, पट्टे
वो कह रहा है वो उल्लू का बट्टा है तो क्या प्रॉब्लम है, साइलेंस रहिए थोड़ा। भाव भाव उपवास पे चल रहे हैं आप लोग, लंच डिनर की बात कर रहे हैं। जिन भी लोगों को अपनी माताओं बहनों साली बुआ दीदी दादी परदादी जिसको भी लक्की से शादी करानी है, चार दिन तक वो लोग मिल करके वो औरतें लक्की को खाना खिलाएंगी, लक्की को जो भी पीस हॉट लगेगा मतलब जिसका खाना अच्छा लगेगा लक्की उसी से शादी करेगा, इसमें इतनी लड़ने की क्या बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। खुलता है दरवाजा। धड़ाम।